तक पूरा नहीं होता जब तक वो लोग ज्वेलरी ना पहन ले, और ज्वेलरी पहनने के बाद तो मानो उनमें चार चांद लग जाते हैं। कलकत्ता से स्पेशली आए हैं और अपनी हैंडमेड ज्वेलरी लेकर सूरज कुंड मेले में पहुंचे हैं। ये चार दिन लगता है, चार दिन एक सेट ये वाला। अच्छा, बिल्कुल एक सेट को बनाने में चार दिन भैया ने बताए हैं लगते हैं। और अगर मैं इयर रिंग्स की बात करूं, कान की झुमकी की, तो उसको बनाने वो जो झुमके है वो एक दिन में 10 बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं गौरी शर्मा इस वक्त एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हूँ जो कलकत्ता से स्पेशली आए हैं और अपनी हैंडमेड ज्वेलरी लेकर सूरज कुंड मेले में पहुंचे हैं। एक झलक पहले मैं दिखा दूं कि ज्वेलरी इतनी सुंदर सुंदर है कि काफी अट्रैक्टिव ज्वेलरी है कि अपने व्यक्ति को अपनी तरफ कोई भी आकर्षित कर ले। हर एक ज्वेलरी अपनी अलग पहचान रख रही है, हर एक ज्वेलरी अपनी एक अलग शोभा लेकर दिख रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम ज्वेलरी यहाँ पर मौजूद है। साड़ी के ऊपर आप पहन सकते हैं, सूट के ऊपर पहन सकते हैं, जीन्स के ऊपर भी डाल सकते हैं, कुर्ते के ऊपर भी डाल सकते हैं। हर तरीके की ज्वेलरी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। भैया मेरे साथ मौजूद है, भैया से बात करेंगे। क्या नाम है भैया? तरुण। आपने ही बनाई है साड़ी? कहाँ से आए? कलकत्ता। कलकत्ता में कहाँ? बसीरा। बसीरा से क्या क्या बेस्ट लेकर आए, सबसे अलग क्या लेकर आए? ये वाला देखिए, क्या है इसमें जो ये सबसे अलग है? ये जूट का ज्वेलरी है जी। जूट और वुडन बीट से बना है। जूट और वुडन बीट, जूट और वुडन बीट से ज्वेलरी बनी है। कितने की? 1500 रुपए। और सबसे मतलब सबसे महंगी ज्वेलरी कौन सी है? यही है, मतलब 1500 रुपए की। सेट काफी प्यारा है और कलकत्ता में पहनते हैं बंगाली लोग भी, ज्यादातर ट्राई करते हैं कि उनको मिल जाए। और सबसे सस्ते की बात करूं तो सबसे सस्ता 50 रुपीस क्या है? कानों का बाली। क्या क्या बोला? कानों का बाली। कानों का बाली, आप देख सकते हैं कि कानों की इयररिंग्स यहाँ पर मौजूद है, काफी सुंदर सुंदर है। मैं मतलब अगर एक ट्राई करके दिखाऊं तो मतलब ये वाला मैं ट्राई करने वाली हूँ जो बेहद खूबसूरत लग रहा है। अगर मैं दिखाऊं तो नहीं घुस रहा यार, छोड़ हट जा। तो मैं ट्राई करने वाली हूँ, इसको देख सकते हैं कि कितना प्यारा ये लग रहा है और लुक ही अलग दे रहा होगा। मतलब मुझे तो फील आ रहा है कि बेहद खूबसूरत ये लग रहा होगा झुमका। और मतलब लड़कियों को बहुत शौक होता है कि उनको झुमके बहुत पसंद होते हैं, मेरे को भी बहुत पसंद है। और भी कई चीजें हैं जिसको हम देखेंगे, और मतलब क्लिप्स भी हैं यहाँ पर। अगर हम सर में लगाने वाली क्लिप ढूंढते हैं कि मिल जाए, वो भी मौजूद है। कानों की झुमकी कपड़ों से बनाई हुई है, मतलब काफी सुंदर सुंदर चीजें हैं। ये इयररिंग्स है, ये जूट से मुझे लग रहा है बनाया हुआ है। किस किस मटेरियल से बनाकर ज्वेलरी को यहाँ पर लेकर आए? जूट एंड वुडन बीट्स। और क्या खास है, मतलब और क्या अलग है, और क्या पब्लिक? हम लोग जूट का ही काम करते हैं, सारा जूट का वर्क है आपका। कितना समय हो गया कि काम करते? 15 साल। 15 साल। और सूरज कुंड में कब से आ रहे हैं? 4-5 साल से। 4-5 साल से। कैसा लगा आप सूरज कुंड मेला? पहले ज्यादा बेहतर लगता था? पहले ज्यादा अच्छा था। पहले क्यों ज्यादा अच्छा था? पहले यहाँ टूरिस्ट ज्यादा आते थे, उस पर टूरिस्ट है ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि आप 4 साल से आ रहे हैं, 4 साल में क्या अलग देखने को मिला? अलग मतलब क्या, स्टॉल ज्यादा आ गया, खरीदारी कम हो रहा है। तो मतलब फायदा भी और नुकसान भी है। और कि कौन कौन काम करता है, कितने लोग मिलकर ये ज्वेलरी को बनाते हैं? ये 15-16 आदमी है, लेडीज लोग काम करते हैं। अच्छा, कितने दिन लग जाते हैं एक ज्वेलरी को बनाने में? इस सेट को बनाने में कितना समय लगा है? ये 4 दिन लगता है। चार दिन एक सेट ये वाला। अच्छा, बिल्कुल एक सेट को बनाने में 4 दिन भैया ने बताए हैं लगते हैं। और अगर मैं इयर रिंग्स की बात करूँ, कान की झुमकी की, तो उसको बनाने वो जो झुमके है वो एक दिन में 10 बन जाते हैं। मतलब 15 से 20 महिलाओं को रोजगार भी देते हैं। महिलाओं को भी रोजगार भैया देते हैं। स्टॉल नंबर क्या है आपका? 619 स्टॉल नंबर है और बेहद खूबसूरत ज्वेलरीज यहाँ पर है। मेरे को तो सारी पसंद आ रही है, आप लोगों को अगर पसंद आ रही है आप लोग जरूर विजिट करें और यहाँ पर आकर ज्वेलरी खरीदें। बेहद सस्ते प्राइजेस भी है,
बेस्ट और रीजनेबल प्राइसेस है। आप लोग सूरजकुंड मेला आए तो ये जरूर खरीदे। तमाम सूरजकुंड की अपडेट आप तक साझा करूंगी, जब तक ले जरूर जुड़े रहे पहचान फरीदाबाद के साथ।